गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है क्लास सेवेंथ की सिविक्स का चैप्टर नंबर सेवन, जिसका नाम है द एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। एडवर्टाइजमेंट, जिसका हिंदी में नाम है विज्ञापन, ये क्या होता है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। कमर्शियल वर्ल्ड में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए एडवर्टीज़मेंट का होना कंपलसरी माना जाता है। एडवर्टीज़मेंट एक डिमांड बिल्डअप करने में बहुत मदद करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का। आपने टीवी पे, मोबाइल पे, न्यूज़पेपर पे, होर्डिंग्स पे, रोड के किनारे, पैम्पलेट्स वगैरह पे, मैगज़ीन में कई सारे न्यू एडवर्टीज़मेंट देखे होंगे, कई सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीज़मेंट देखे होंगे, कई सारे सर्विसेज के एडवर्टीज़मेंट आप देखते रहे होंगे। जैसे किसी को अपने दुकान का एडवर्टीज़मेंट करना है तो वो पोस्टर बैनर लगा लगा देता है। आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं, आप मार्केट जाते हैं तो सब्ज़ी बेचने वाला कैसे चिल्ला चिल्ला के अपने यहाँ बिकने वाली सब्ज़ियों का रेट आपको बताता है, वो भी एक प्रकार का एडवर्टीज़मेंट है। तो एडवर्टीज़मेंट बहुत सारे प्रकार का होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टीवी में दिखाए केवल वही एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट के कई प्रकार हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एडवर्टीज़मेंट का फेस जो है, एडवर्टीज़मेंट का जो तरीका है, वो समय के साथ बदला है। पुराने समय में जिस हिसाब से एडवर्टीज़मेंट होते थे, जिस तरीके के एडवर्टीज़मेंट होते थे, आज एडवर्टीज़मेंट का वो चेहरा बिल्कुल बदल गया है। तो एडवर्टीज़मेंट काम कैसे करता है? एडवर्टीज़मेंट जो है, जो जब आप उसको देखते हैं, जब आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब वो बताता है, डिटेल प्रोडक्ट का जब बताता है या सर्विस का बताता है, तो वो कुछ इस प्रकार से बताया जाता है जान के कि वो प्रोडक्ट या सर्विस आपको, आपके लिए बहुत ज़रूरी फील हो, आपको ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बनाया गया है, ये सर्विस जो है मुझे ही सूट करने के लिए बनाई गई है और मुझे जो है इसको जल्दी से जल्दी परचेज करना है। तो परसुएडिंग स्किल जो है एक अच्छे एडवर्टीज़मेंट की खासियत होती है। पंच लाइन जो है एक अच्छे एडवर्टीज़मेंट की खासियत होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो चार पंच लाइन लिख के बताइएगा कि कुछ प्रोडक्ट्स के पंच लाइन अगर आपको याद हो तो। जैसे कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट का अगर हम पंच लाइन याद करने की कोशिश करें तो लाइफ बॉय एक सोप आता है, जिसका पंच लाइन होता है कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। तो ये सब जो चीज़ें हैं, पंच लाइन या टैग लाइन या पर्सुएडिंग स्किल उनकी, या फिर इस तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस को दिखाना कि लोगों को लगने लगे कि भाई ये हमारे लिए ही बनाया है, तो ये सब चीज़ें जो है लोगों पे असर डालती हैं और इससे जो है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस का डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और लोग उसको लेने के लिए सोचने लगते हैं। यही एडवर्टीज़मेंट का काम है। तो बच्चों, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट सिर्फ सामान को बेचने के लिए नहीं होता, एडवर्टीज़मेंट सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता, एडवर्टीज़मेंट का एक और चेहरा भी है, सोशल एडवर्टाइजिंग। वेलफेयर के लिए भी एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा पोलियो वगैरह का जो टीका लगता है, या पोलियो को जो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, या किसी बीमारी की जब नई वैक्सीन आती है तो कैसे उसको होर्डिंग्स के माध्यम से या फिर जो है किसी पैम्पलेट वगैरह के थ्रू जो है बताया जाता है, दिखाया जाता है। अगर आप आज के समय की बात करें तो जो कोविड है, कोविड कितना ज़्यादा फैल चुका है, हमारे यहाँ जान पहचान के भी कई लोगों को कोविड हो रखा है, तो आप देखेंगे कि मोबाइल्स में जो है कोविड की ट्यून्स चलने लगती हैं, बताया जाता है कि क्या क्या सिम्टम्स उसके हैं और कौन कौन से सिम्टम्स आने दिखने पे आपको हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो एडवर्टीज़मेंट जो है वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होता, एडवर्टीज़मेंट एक सोशल काम के लिए भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा सिगरेट वगैरह का जो पैकेट होता है उसमें सोशल एडवर्टाइजिंग भी होती है, उसमें ये भी बताया जाता है कि सिगरेट पीना जो है आपकी सेहत के लिए हार्मफुल है। ये अलग बात है कि बताने के बावजूद भी कई सारे लोग उसका यूज़ करते ही हैं, लेकिन ये चीज़ बताई जाती है, ये चीज़ दिखाई जाती है। दूसरा है ब्रांड मार्केटिंग। तो बच्चों, यहाँ सोशल एडवर्टीज़मेंट से अगर हम बाहर निकलते हैं, सोशल एडवर्टीज़मेंट के अलावा अगर हम देखते हैं तो एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग होता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए नहीं। जैसे कैडबरी एक ब्रांड है,
तो आपने देखा होगा कि कैडबरी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स आते हैं और उसको ऐसा बताते हैं जैसे ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। आपने कई सारे ब्रांड्स के साथ कुछ फेमस चेहरे देखे होंगे, हीरो हीरोइन के चेहरे देखे होंगे। हीरो हीरोइन जो है एक आध ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आते रहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा फिल्म स्टार जो है किस ब्रांड को सपोर्ट करता है, आपने किस ब्रांड को सपोर्ट करते किसी फिल्म स्टार को देखा है। अगर देखा है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ये बताइए। एडवर्टीज़मेंट का क्या वाकई में इम्पैक्ट होता है? तो जवाब है हाँ, यस, एडवर्टीज़मेंट का इम्पैक्ट होता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए एडवर्टीज़मेंट को बिज़नेस इंडस्ट्री में वेस्ट नहीं समझा जाता, इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। वो इन्वेस्टमेंट उनको कभी ना कभी वापस जो है प्रॉफिट के रूप में पैसा दिलवाता ही है। एडवर्टीज़मेंट भले कितना ही महंगा हो, उनको टीवी पे देना पड़े, न्यूज़पेपर पे देना पड़े, कितना भी महंगा हो, लेकिन वो हिचकते नहीं हैं क्योंकि उनको पता है ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। और फ्यूचर में जो है जब भी एडवर्टीज़मेंट लोग देखेंगे और पर्सुएड होकर उनका प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदेंगे तो वो पैसा आना आखिर घूम फिर के उनके पास ही है। इवन वो एडवर्टीज़मेंट का कॉस्ट भी उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में जो है वो जोड़ देते हैं, जोड़ के ही आपको बेचते हैं। तो ये नहीं समझना है हमको कि एडवर्टीज़मेंट का खर्चा जो है वो प्रोड्यूसर अपनी जेब से दे देता है, जेब से बिल्कुल नहीं दे देता। जो भी प्रोड्यूसर होता है गुड्स को बनाने वाला, वो अगर एडवर्टाइज़ करता है उसमें उसका कोई खर्चा होता है तो उस एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी वो उस प्रोडक्ट में जोड़ देता है और उसके कॉस्ट को बढ़ा देता है, बढ़ा के आपको देता है, कॉस्ट उसका निकल जाता है। तो बच्चों होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर अच्छे से। मैं भी ये करने वाला हूँ कि एक एक करके आपको चार चैप्टर्स के नोट्स देना शुरू शुरू करूँगा। तो आप नोट्स कंप्लीट किए कीजिए और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल नंबर में आप मैसेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं, डाउट्स जो हैं आपके क्लैरिफाई कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।